किसी चिंतन चैनल में आपका स्वागत है। आत्मचिंतन के क्षण किसी विचारधारा का परिणाम तभी प्राप्त हो सकता है जब वह कार्य रूप में परिणत हो। मानसिक व्यसन के रूप में कुछ पढ़ते सुनते और सोचते हैं कार्य रूप में उसे परिणत न करे तो उस विचार विलास मात्र कितना उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। आध्यात्मिक विचारधारा का लंबा स्वाध्याय मन पर एक हल्की सी संतोषपूर्ण छाप तो छोड़ता है, पर जब तक क्रिया में वे विचार न उतरे तब तक यह स्वाध्याय भी एक विनोद व्यसन ही बना रहता है। अनावश्यकता दुर्भावनाओं को मन में स्थान देना, दूसरों के लिए अशुभ सोचते रहना और औरों के लिए उतना हानिकारक नहीं होता जितना अपने लिए उचित, यही है कि हम सदा संपन्न रहे। जिनमें वस्तु हो दोष दुर्गुण हो उन्हें चारित्रिक रुगणता से ग्रसित समझकर सुधार का भरसक प्रयत्न करे, पर उस द्वेष और दुर्बुद्धि से बचे रहे जो अनंततः अपने ही व्यक्तित्व को आक्रामक असुरता से भर देती है और दूसरों को ही नहीं अपना भी सर्वनाश प्रस्तुत करती है। ऊंचा उठना ही मनुष्य जीवन की सफलता का चिन्हन है। मन को निग्रहित, बुद्धि को परिकृत, चित्त को उदारत और अहंकार को निर्मल बना कर इसी शरीर में दिव्य शक्तियों का अवतरण किया जा सकता है और उन विभूतियों से लाभान्वित हुआ जा सकता है जो देवताओं में सन्निहित मानी जाती है। यदि तुम भलाई का अनुकरण करके कष्ट सहन करो तो कुछ पश्चात कष्ट तो चला जाता है पर भलाई बनी रहती है, पर यदि तुम बुराई का अनुकरण करके सखोय भोग करो तो समय आने पर सुख तो चला जाएगा पर बुराई बनी रहेगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।